ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मध्य प्रदेश में आज से नए स्कूल शिक्षा सत्र का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। मंगलवार से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुले। जबलपुर में भी सत्र के पहले दिन छात्र छात्राओं में स्कूल आने को लेकर खासा उत्साह नजर आया। मंगलवार को मॉडल हाई स्कूल में स्कूल चलो हम अभियान कार्यक्रम में जबलपुर सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहाणी, जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी समेत शिक्षक गण मौजूद रहे। मॉडल हाई स्कूल में छात्रों का तिलक लगाकर उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बच्चों को किताबें भी बांटी गयी। जबलपुर सांसद ने स्कूल आए बच्चों को किताबें देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सांसद आशीष दुबे ने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से जब स्कूल खुल रहे हैं तो निश्चित रूप से अब साल भर तक स्कूल में रौनक नजर आएगी। उन्होंने कहा कि जिस मॉडल हाई स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है वे भी उस स्कूल के छात्र रहे हैं और आज यहां पर बच्चों के बीच आकर सुखद क्षण महसूस हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि शासकीय स्कूल भी मंगलवार शुरू हो गए हैं। अभिभावकों को पहले इसकी जानकारी दे दी गई। हालांकि CBSE बोर्ड से जुड़े कुछ निजी स्कूल 20 जून के बाद से शुरू होंगे। आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ता हूँ कि पहला कार्यक्रम मेरा उस स्कूल में हुआ जहाँ का मैं पूर्व छात्र हूँ, तो निश्चित रूप से एक मॉडलियन होने का गर्व भी है मुझे और ये ईश्वर की कृपा है कि आज पहला कार्यक्रम मेरे ही विद्यालय में आने का मुझे जो अवसर मिला है, मैं इसके लिए DO साहब को भी धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर स्कूल का जितना भी हमारा स्टाफ है सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सरकार के स्कूल चलो अभियान के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें हमारे विद्यार्थियों को नए सत्र के लिए हमने उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। आने वाला भविष्य अच्छा हो, उनको सर्व सुविधा युक्त वातावरण मिले, उनको सुविधाएं भी जो सरकार की तरफ से उनको दी जाती हैं उनको प्रदत्त किया है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आज स्कूल चलो हम का कार्यक्रम है, आज 18 तारीख है, आज पहला दिन है ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल लगने का। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल में सुभाष स्कूल में स्कूल चले हम कार्यक्रम का चालू करने जा रहे हैं। उसका सीधा प्रसारण हम बच्चों और अभिभावकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। सभी बच्चों का स्कूल में स्वागत किया गया है। आज सभी इस कक्षाओं में इनको बैठा के और इनसे बातचीत की जाएगी, पढ़ाई लिखाई प्रारंभ की जाएगी। कल 19 तारीख को सभी बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाया गया है और सभी बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की पूरी सत्र भर की कार्यक्रम बताया जाएगा। स्कूल कैलेंडर क्या है, खेलकूद की क्या व्यवस्था है, प्रयोगशाला की क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे पूरे सत्र में कब कब कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, कौन से कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही बच्चों को पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। और 20 तारीख को हम फिर प्रतिष्ठित जन जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण प्रत्येक स्कूलों में जाएंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे, एक एक पीरियड पढ़ाएंगे, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और इसके दौरान जो भी गणमान्य लोग स्कूल की आवश्यकता अनुसार कुछ देना चाहेंगे तो वो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम बलपाल, इंडिया न्यूज़।